टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिमला समझौता और लाहौर घोषणा पत्र की। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। अमेरिकी राष्ट्रपति के हालिया बयान के मुताबिक कश्मीर मसले का हल निकालने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के समक्ष मध्यस्थता की पेशकश की थी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दावे को खारिज किया है और शिमला समझौते और लाहौर घोषणा पत्र का जिक्र किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मसलों का द्विपक्षीय तरीकों से हल निकालने की बात भी कही गई है। अब देखते हैं क्या है शिमला शिखर वार्ता। शिमला शिखर वार्ता 28 जून 1972 से 1 जुलाई 1972 के बीच हुई थी। यह वार्ता भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच संपन्न हुई थी। इस वार्ता में चर्चा के मुद्दे थे बांग्लादेश को मान्यता देना, भारत पाकिस्तान के राजनयिक संबंध, व्यापार, कश्मीर में नियंत्रण रेखा स्थापित करना और युद्ध बंदियों की रिहाई। अब देखते हैं शिमला समझौता क्या है। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने किए। हस्ताक्षर की तिथि थी 2 जुलाई 1972। यह भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर पड़ोसी संबंधों के लिए एक व्यापक ब्लूप्रिंट है। अब बात करते हैं इस समझौते के मुख्य बिंदुओं की। यह समझौता दोनों देशों में लागू संविधान के अनुसार मंजूर किया जाएगा। दोनों देशों के बीच विवाद में किसी भी अन्य देश की मध्यस्थता नहीं स्वीकार की जाएगी। विवाद को शिमला समझौते के मुताबिक ही हल किया जाएगा। समझौते के मुताबिक दोनों देशों के बीच के संबंध संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से संचालित होंगे। समझौते में भारत द्वारा बंदी बनाए गए पाकिस्तान के सैनिकों को रिहा करने और पाकिस्तान की जमीन लौटाने की भी बात शामिल थी। भारत द्वारा हासिल किए गए कश्मीर के महत्वपूर्ण सामरिक स्थलों पर भारत का आधिपत्य होगा। दोनों देश एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान बराबरी के आधार पर करेंगे। संचार, डाक, तार, समुद्र और जमीन के जरिए संपर्क बहाल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जाएगा। समझौते के मुताबिक भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अपनी तरफ तक वापस चली जाएंगी। अब बात करते हैं लाहौर घोषणा की। इसके हस्ताक्षरकर्ता श्री अटल बिहारी वाजपेयी और मोहम्मद नवाज शरीफ थे। हस्ताक्षर की तिथि थी 21 फरवरी 1999। अपने देशों के बीच शांति और स्थिरता और अपने लोगों के लिए प्रगति और समृद्धि के साझा दृष्टिकोण को अपनाते हुए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। इस घोषणा पत्र में संवाद करने, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और दखल ना देने की शपथ ली गई थी। लाहौर घोषणा पत्र में परमाणु हथियारों के अनधिकृत या दुर्घटनावश उपयोग के खतरे को कम करने के लिए शीघ्र कदम उठाने की भी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। परमाणु एवं अन्य परंपरागत क्षेत्रों में विश्वास बहाली, संघर्ष रोकने, आतंकवाद के सभी रूपों और कार्यों की निंदा की पुष्टि के लिए सभी मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए व्यापक कदम उठाने पर विचार विमर्श किया गया।